हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं एक डिज़ाइनर ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, वो है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है, वो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है, जो हमारा बेस का फैब्रिक है वो। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूँगी 5 इंचेस, आर्म होल पे मिलूंगी यहाँ पे 5 इंचेस, 5 इंचेस डाउन पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे लेना है हमें कमर की चौड़ाई, वो मिलूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हम आमहोल को ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरह से आमहोल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। और उसके बाद हमें इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे भी 2.5 इंचेस, और लाइन को हमें यहाँ से एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी हिसाब से आप जो शेप चाहे वो उसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह का रेक्टेंगल शेप लिया हुआ है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने ट्रायंगल में इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था अभी, उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ से इस पॉइंट को आपको लेंथ तक एक्सटेंड करना है। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ मार्क करनी है, तो यहाँ से लेंथ इसकी मैं लूँगी 8 इंचेस, तो 8 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी हम 18 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और यहाँ से भी मैं 18 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद राउंड में हमें शेप ड्रॉ करना है। शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है, हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, जो हमारा बॉटम का नेट का फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 19 इंचेस, और इसकी चौड़ाई मैंने जो हमने 2 मीटर लिया था वो पूरी ले ली है। अब जो हमारा प्लेन पार्ट है नेट का, उसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है। और इस नेट को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, तो हमारे एक साथ 2 पीस कट हो जाएंगे। इसी शेप और साइज़ में हमें नेट के फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो नेट का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। और इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब ये राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था उसे उल्टा रख लेना है। दोनों को हम साथ में अच्छे से मिलाएंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद आपको इसमें सिलाई करनी है।
ये जो पूरा हमारा जो बैक का पार्ट है उसमें हमें इस तरह से कट करना है। तो इसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड ने रखा हुआ है, जिसकी चौड़ाई हमें चाहिए 25 इंचेस। तो 25 इंचेस की चौड़ाई को मैंने फोर फोल्ड में रखा हुआ है। तो 25 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया है। यहाँ से 6.5 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से लेंथ है 11 इंचेस। तो 11 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद नेक में और हमारे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट हमने कट किया था, यहाँ पे भी हम उसी तरह से अरेंज करेंगे। बेस फैब्रिक को आपको उल्टा रख के यहाँ पे ये जो हमारा नेक और यहाँ से नीचे तक और आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हम इस तरह के नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद जो हमारा यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। जो ओपन पार्ट है हमारा, वहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को हम अच्छे से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब बैक साइड में हमें चेन लगानी है, तो जिसके लिए यहाँ पे आपको इस तरह से ऊपर की तरफ फैब्रिक को रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी चेन फिक्स हो जाएगी और एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर लेंगे। चेन को यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पर हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब जो हमने स्लीव्स कट की थी उसे तैयार करना है। तो यहाँ पे पूरी जो हमारी लेंथ है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। और दोनों में हम इसी तरह से जो ऊपर का पार्ट हमारा जो स्ट्रेट पार्ट है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लूज स्टिच लगा दी है। एक धागे को हल्के हाथों से हम खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब इसके साथ हमें इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको बस इसके ऊपर रखना है और आपको बस कवर सिलाई लगाते हुए इस पार्ट को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो हमारी स्लीव्स यहाँ पे अटैच हो जाएगी। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। जो नेट वाला पार्ट है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगानी है और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को फिक्स कर लिया है। अब हमें बॉटम का पार्ट तैयार करना है।
इसे मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। इसकी फिटिंग के लिए हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ से चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। और यहाँ पे कमर की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हमें स्लीव्स में फिटिंग कर लेना है, तो सिर्फ एक ही तरफ ही फिटिंग करेंगे हम, एक तरफ का पार्ट हम ओपन रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। इस पार्ट में हम सिलाई नहीं करेंगे, उसे बाद में हम फिटिंग करेंगे। एक तरफ से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है और एक हिस्सा हमने इस तरह से ओपन रखा हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हमें इस तरह से राइट साइड पे रखना है। इसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रख लेना है और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और ऊपर से नीचे तक हमें सिलाई कर लेना है और दोनों को हम जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इसकी बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करना है, उसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। और ये जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए, तो पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगाएंगे। और इसमें हम इसमें जो हमने गैदरिंग बनाई थी उसी मेथड से इसमें भी हम गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग कर ली है और इसके साथ मैंने जो बेस का फैब्रिक है उसे भी जॉइन कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके साथ हमें इस पार्ट को जॉइन करना है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक इस पार्ट को जॉइन करना है। तो इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। तो टॉप और बॉटम का पार्ट हमारा जॉइन हो जाएगा। टॉप और बॉटम को हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमें उस पर हमें सिलाई करना है और कमर के बाद का जो पोर्शन है उसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। और इस तरह का जो मैंने बेल्ट तैयार किया हुआ है उसे सिलाई करते वक्त यहाँ पे हम रखेंगे जो हमारा जॉइनिंग है टॉप और बॉटम का वहाँ पे, और दोनों तरफ आपको इसे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है, सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और नेक पे हमने इस तरह से स्टोन वर्क किया हुआ है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल नेट फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर नेट फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।